भारत के बच्चे आखिर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जगह लड़की पटाने और छेड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? कौन है इसके पीछे की वजह? जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और भारत में एक ऐसी जगह जहां बाइक का मंदिर है और यहां सिर्फ बाइक की पूजा होती है, लेकिन क्यों? और भारत के गुजरातियों ने आखिर कैसे किया अमेरिका के होटल्स पे कब्जा? और अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक खूबसूरत सा शहर बंजर रेगिस्तान में बदल गया? अगर जानना है इन सभी सवालों का जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर वन, आज की इस आधुनिक दुनिया में भारत के बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी की जगह लड़कियां पटाने में और छेड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वहीं दूसरे देशों के बच्चे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन भारत के बच्चे और विदेश के बच्चों में इतना अंतर क्यों? इसका रीजन है बॉलीवुड। बॉलीवुड अपनी ज्यादातर फिल्मों में प्यार, मोहब्बत, लड़ाई, गुंडागर्दी की कहानियां दिखाता है, जिस वजह से भारत के बच्चे लड़कियां छेड़ने, पटाने, गुंडागर्दी करने, गाली देने में ज्यादा ही ध्यान देने लगते हैं। और वहीं विदेशी की बात की जाए तो वहां की मूवीज यानी कि हॉलीवुड मूवीज साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है, जिस वजह से वहाँ के बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? नंबर टू, मंदिरों में भगवान की पूजा होती तो सभी ने देखी है, लेकिन क्या कभी किसी ने मोटरसाइकिल के मंदिर के बारे में सुना है? अजीब जरूर है, लेकिन सच है। राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की पूजा होती है। यहाँ पूरे देश से बाइक राइडर और अन्य लोग आकर सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। इस मंदिर का नाम है बुलेट बाबा मंदिर। लेकिन लोग इस बाइक की पूजा करते क्यों हैं? तो ये बात आज से लगभग 30 साल पहले यानी कि 1988 की है। ओम बन्ना नाम का एक आदमी शाम को अपने बुलेट 350 पर बांगड़ी से चोटिला गांव लौट रहे थे। पाले के पास अचानक ओम बन्ना को लगा कि सड़क पर कोई है। बचने के लिए उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक घुमाई, बाइक सड़क पर आ रहे ट्रक से भिड़कर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि ओम बन्ना की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। ओम बन्ना के एक्सीडेंट के बाद पुलिस उनकी बॉडी और बाइक थाने ले गई, लेकिन बाइक रहस्यमय ढंग से पुलिस थाने से गायब हो गई और दुर्घटना वाली जगह पर मिली। उसके बाद पुलिस बाइक को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह फिर बाइक थाने से गायब हो गई और उसी घटना स्थल पर पहुंच गई। दूसरी बार ऐसा होने पर पुलिस को शक हुआ तो बाइक को फिर थाने में लाकर जंजीरों से बांध दिया गया और फ्यूल टैंक को खाली कर दिया गया। इस बार बाइक की निगरानी की गई तो पुलिस वालों ने देखा कि जंजीरों में बंधी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हुई और जंजीरें तोड़ती हुई घटना स्थल पर चली गई। जब ये बात शहर में फैली तो लोगों को लगा कि ये एक चमत्कारिक बाइक है और इसीलिए उन्होंने इस बाइक की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। नंबर थ्री, आपने लगभग हर लिफ्ट में शीशे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट में शीशों का क्या काम? पुराने समय में जब लिफ्ट में शीशे नहीं हुआ करते थे तो लोगों का ध्यान सिर्फ लिफ्ट की स्पीड पर रहता था, जिस वजह से इंजीनियर्स को बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत तेज है। तो इंजीनियर्स ने इसका सलूशन निकालने के लिए लिफ्ट में शीशे लगा दिए ताकि लोगों का ध्यान शीशे में अपने आप को देखने में रहे और उनका ध्यान लिफ्ट के स्पीड पे ना जाए। इस तरीके से इंजीनियर्स को लिफ्ट की स्पीड कम भी नहीं करनी पड़ी और कम खर्चे में काम भी बन गया। नंबर फोर, अगर आप एक डॉक्टर के पास कंसल्ट लेने जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर झोला छाप ही क्यों ना हो, वो आपसे कम से कम 100 रुपए या 200 रुपए तो फीस जरूर लेता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत में एक ऐसा MBBS डॉक्टर है जो मात्र 5 रुपए की फीस पर लोगों का इलाज करता है, तो क्या इस पर विश्वास करेंगे आप? मिलिए कर्नाटक के मडुआ जिले के डॉक्टर शंकर गौरा से। इनके पास खुद का क्लिनिक बनाने का भी पैसा नहीं था, जिस वजह से इन्होंने एक रेस्टोरेंट के दीवार को ही अपना क्लिनिक बना लिया। वो रोज उसी दीवार पर बैठकर गरीब मरीजों का इलाज करते हैं। शंकर जी मरीजों से सिर्फ 5 रुपए फीस लेते हैं और उन्हें सस्ती से सस्ती और अच्छी दवाई लिख कर देते हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसे बोलते हैं सच्चा देशभक्त डॉक्टर। दोस्तों, इनकी इस दरिया दिली के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर फाइव, अगर आप जिंदगी में कभी भी अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ किसी होटल में रुकेंगे तो एक फैक्ट आपको जान लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में जितने भी होटल हैं उनमें से 42% होटल्स हमारे गुजरातियों के हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप भविष्य में अमेरिका के किसी होटल में रुकते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो होटल हमारे ही किसी गुजराती भाई का होगा। नंबर सिक्स, भारत में राजस्थान के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान मौजूद हो? आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत के राज्य कर्नाटक में भी एक रेगिस्तान मौजूद है जिसका नाम है तालाकाडु डेजर्ट। लेकिन असली फैक्ट ये थोड़ी ना है। एक समय था जब ये जगह खूबसूरत हरा भरा शहर था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये खूबसूरत शहर एक रेगिस्तान में बदल गया? असल में इसकी असली वजह तो किसी को नहीं पता। इतिहास के मुताबिक 11वीं सदी में रानी अलमेलम्मा ने तालाकाडु शहर को एक शाप दिया था, जिस वजह से ये खूबसूरत सा शहर समय के साथ साथ एक रेगिस्तान में बदल गया। नंबर सेवन, आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना किसी सामान्य आदमी के लिए लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही रहस्य है 240 पन्नों की एक रहस्यमय किताब का, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इस किताब को किसने लिखा, क्यों लिखा और इसमें क्या लिखा है, आज
आज तक दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इसका जवाब नहीं पता। साइंस और कार्बन डेटिंग के मदद से बस इतना पता चला है कि ये किताब लगभग 600 साल पुरानी है। इस किताब में आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं? नंबर 8, आखिर अंतरिक्ष में लोग उल्टा पुल्टा क्यों सोते हैं? शायद इसका जवाब आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा, अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स हवा में उल्टे पलटते रहते हैं और इसलिए रात में सोने के वक्त वो अपने आप को स्पेस शिप के किसी भी हिस्से में इस स्पेशल टाइप के बैग में बांध के सोते हैं।